Hello and welcome back. So today we are going to cover your part 3 of your chapter 5, that is coal and petroleum. We have covered your two parts in the last previous videos. So this is the third part and probably this is the last slide and your chapter will be finished today. Tomorrow I'm going to discuss about the question answers and various MCQs that can come in your exams. And at the end, we will discuss about the important questions that comes in your competitive exams also. So today, let's get started. क्या पढ़ा था हमने last time पे? We did destructive distillation of coal. So in case of a destructive distillation, हमने पढ़ा था कि होता क्या है destructive distillation? When your coal is heated at the temperature of 1000 से लेकर 1400 degree Celsius तक in the absence of air, बिना हवा के जब हम coal को heat करते हैं और उसको तोड़ते हैं बिना हवा की या फिर वी कैन से विदाउट ऑक्सीजन, तो दैट इज नोन एज योर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड ऑफ कोल. द प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो वो कौन कौन से हैं? पहला चीज, कौन से कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. सो द कोल इज बिटुमिनस और इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपके. पहला कोक, सेकेंड वन इज कोल गैस, थर्ड वन इज कोल टार, फोर्थ वन इज अमोनिकल सॉल्यूशन. अमोनिकल सॉल्यूशन होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर कोल टार, कोल गैस, सॉरी कोक, कोल टार एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोल गैस. सो इन केस ऑफ योर कोक हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज दिस कोक? द ग्रेश ब्लैक रेसिड्यू दैट इज लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज नोन एज कोक. जो भी ग्रेश ब्लैक रेसिड्यू मिलता है, रेसिड्यूअल है ये, दैट इज लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, उसे हम बोलते हैं कोक. तो अब ये कोक है, इसमें कितना परसेंट कार्बन है? तो ये कोक कंटेन्स 98% ऑफ कार्बन. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जो कोक होता है वो बनता कैसे? कोक इज इक्वल टू, ये इक्वेशन याद रखनी है, कोल में से जब हम मॉइस्चर निकाल लेते हैं और आपका वॉलेटाइल मैटर निकाल लेते हैं, ठीक है, वी गेट कोक. अब इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कोक हमने पढ़े थे, जैसे कि इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, इट्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्यूल गैस, फ्यूल गैस में भी सच एज वाटर गैस. फ्यूल गैस होती कौन सी है? पहला तो वाटर गैस, वाटर गैस होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज सी ओ प्लस एच टू, एंड द प्रोड्यूसर गैस इट इज सी ओ प्लस एन टू. कोक इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बाइड्स, कौन से कार्बाइड्स? जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड्स एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड्स. यहाँ पर आपको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड का. कैल्शियम कार्बाइड इज सी ए सी एल टू, देन योर सिलिकॉन कार्बाइड इज सी एस आई सी एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड इज ए एल फोर सी थ्री. ठीक है, देर इज अ मेजर डिफरेंस, दो डिफरेंस है बिटवीन योर कोल टार एंड कोल गैस. कोल टार जो है आपका, ये होता है ब्लैक टेरी मटीरियल That is obtained during destructive distillation. ये एक ब्लैक टेरी मटीरियल है जिसको, जो ऑप्टेन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने पर. बट इन केस ऑफ योर कोक इट इज अ रेजिडुअल मटीरियल. ठीक है, जो रेजिड्यू बचता है दैट इज कोक. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं योर कोल गैस. तो कोल गैस जो है, जो गैशियस प्रोडक्ट हमें ऑप्टेन होता है आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इट इज नोन एज कोल गैस. कोल गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होते हैं? मतलब तीन कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस होती हैं कोल गैस में. पहला हाइड्रोजन, सेकेंड वन इज मीथेन एंड द थर्ड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड. हाइड्रोजन इज एच टू, मीथेन इज, व्हाट इज मीथेन का फॉर्मूला? CH4 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO. ठीक है, याद रखना है. कंबस्टिबल कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं, कंबस्टिबल होता क्या है? जो द गैसेस बर्न टू प्रोड्यूस हीट, जो गैसेस बर्न करती हैं टू प्रोड्यूस हीट, उन्हीं को कंबस्टिबल बोलते हो आप. एंड कंबस्टिबल कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोल गैस होते हैं आपके, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन एंड योर कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर कंबस्टिबल कॉम्पोनेंट्स, राइट. अब यहाँ पर मैं एक टेबल बनाती हूँ, यहाँ पर इस टेबल को देख लेना आराम से, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इधर है परसेंटेज कितना है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल गैस, मतलब इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोल गैस कितनी है आपकी, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन है. ठीक है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है आपकी कोल गैस में? इट इज 38 से लेकर 55% तक.
we have methane, CH4, percentage is 15 to 22%. We have carbon monoxide, CO, and 4 to 15%, and nitrogen is 2 to 20%. ठीक है, जो आपकी कोल गैस है इट हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. बिकॉज कैलोरीफिक वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि ये सब जो है आपकी जो कोल गैसेस हैं, दैट इज हाइड्रोजन और मीथेन, ये बेसिकली इन दो गैसेस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है. इस वजह से जो आपकी कोल गैस है उसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है. राइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ कोल गैस. कोल गैस के यूजेस कितने हैं? पहला, इट इज एन एक्सीलेंट गैशियस फ्यूल. दूसरा, इट इज अ डोमेस्टिक फ्यूल, इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल या फिर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस. थर्ड वन इज एज एन इल्यूमिनेंट फॉर डोमेस्टिक या फिर स्ट्रीट लाइटिंग. एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉर प्रोवाइडिंग एन इनर्ट रिड्यूसिंग एटमोसफेयर इन रिएक्शन वेसल्स एंड इन सर्टेन मेटल एक्सट्रैक्शन में भी जो है आपका कोल गैस यूज होती है. राइट, आई होप इट इज क्लियर. सबसे पहली बार जो आपकी कोल गैस यूज हुई थी इन योर स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम वो हुई थी आपकी 1950, दैट इज 1950 में. तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहली चीज हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि जब कोल की हमने कौन सी डिस्टिलेशन करी थी. इसकी हमने करी है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ठीक है, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुई. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है, जब हम इस कोयले को हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक, इन एब्सेंस ऑफ, ना ही हवा के एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर यू कैन से इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो हम बोलते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के मेन प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं आपके तीन, दैट इज कोल, कोक, कोल गैस, वाटर H2O एंड अमोनिया, अमोनिकल लिकर. राइट, द ग्रेश ब्लैक रेसिड्यू जो बच जाता है आपका आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल उसको बोलते हो आप कोक. जो ब्लैक टेरी मटेरियल जो ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल उसको बोलते हो आप कोल्टार. कोल्टार के भी यू नो इट इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स एंड मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कोल गैस जो है इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. और इस कोल गैस के कौन से मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं? पहला हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन एंड द थर्ड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड. राइट, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की. पेट्रोलियम क्या है आपका? पेट्रोल जिसे आप भरवाते हो गाड़ियों में, इट्स अ विस्कस डार्क कलर्ड, डार्क कलर्ड में भी कलर आपका एम्बर से लेकर ब्लैक हो सकता है, फ्लोरोसेंट लिक्विड जो आपका कहाँ मिलता है, इट अकर्स डीप इनसाइड द अर्थ. ठीक है, ऑर्डर इसका अनप्लेजेंट होता है एंड इट इज लाइटर देन वाटर. जो आपका पेट्रोलियम है इट इज लाइटर देन वाटर. पेट्रोलियम यू नो इट अकर जो जिस फॉर्म में आपका पेट्रोल अकर करता है आपके अर्थ क्रस्ट में नीचे डीप इनसाइड द अर्थ, आप उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते. इट हैज टू बी यू नो व्हाट, इट हैज टू बी रिफाइंड. तो जो कच्चा तेल आपको मिलता है जमीन के अंदर उसको आप बोलते हो क्रूड ऑयल. और उसके बाद इसकी आप रिफाइनिंग करते हो. इसकी रिफाइनिंग करने के बाद आपको मिलता है पेट्रोल जो आप एक्चुअल में जो है अपने गाड़ियों में यूज करते हो. ठीक है, सो कॉम्पोजिशन ऑफ पेट्रोल अगर पूछा जाए आपसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ पेट्रोल में क्या क्या होता है उसमें, इट कंटेन्स नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन एंड सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये सब होते हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अब चलते हैं हाउ इज पेट्रोल फॉर्म्ड. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कराया था हाउ इट इज फॉर्म्ड. ये कैसे बनता है आपका, इट द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स. जो डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स हैं वो कहाँ पर सैंक करते हैं? नीचे बॉटम ऑफ द सी में आपको मिलेंगे. जब जैसे कि जैसे आपको कोई सी में एनिमल है या फिर कोई सी प्लांट्स हैं वो डेड हो गए, डीके हो गए, वो नीचे जो सी बेड पे आके नीचे बॉटम पे सैंक कर गए. उसके बाद में आपका पानी है, पानी के ऊपर एक तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा पानी का, फिर उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा जो आपकी
हीट आएगी, टेम्परेचर होगा, कुछ बैक्टीरिया उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, एंड ये सब जब चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी इन डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म, डेड और डिकेड एनिमल्स के ऊपर, उसके बाद क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन ये सब जो काम होगा इट विल बी एनारोबिक, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ एयर जब ये होता है तो आपका बन जाता है पेट्रोल, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आपका पेट्रोल बन जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, इट इज पास थ्रू पोरस रॉक्स अंटिल इट गेट्स ट्रैप बिटवीन सम इम्परवेनस दैट इज नॉन पोरस रॉक्स। होप इस इज क्लियर टू यू। देन वी हैव द मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम फॉर्म अ गैशियस कवर ऑफ, जो आपके ज्यादा वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट्स हैं पेट्रोलियम के, वो क्या करते हैं, आपके जो पेट्रोल बनता है ना उसके ऊपर एक गैशियस कवरिंग बना लेते हैं, और उसी गैशियस कवरिंग को आप बोलते हो नेचुरल गैस। तो हमारी जो नेचुरल गैस है ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, क्रूड ऑयल के ऊपर से ही। नीचे होता है हमारा क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, और उसके ऊपर इसका गैशियस एक गैस होती है, ये होती है आपकी नेचुरल गैस। यहाँ से आपको नेचुरल गैस मिलती है, जब आप एक्सट्रैक्शन करते हो ऊपर से नेचुरल गैस मिल जाएगी, नीचे से कच्चा तेल आपको मिल जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि आपकी पेट्रोल जो है वो वाटर से लाइटर है या कैसा है, तो डेंसिटी इसकी कैसी होगी, लाइटर, इट इज लाइटर देन वाटर। हाउ इट पेट्रोलियम इज फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हमने कर लिया था पहले। पेट्रोलियम जो है आपका कहाँ आकर करता है, डेप्थ, इट रेंजेस फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू अबाउट 2 to 3 किलोमीटर। जो होल होते हैं वो ड्रिल करे जाते हैं आपकी अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है, और उसके बाद में पाइप इंसर्ट करे जाते हैं अंटिल द पाइप रीचेस द पेट्रोलियम डिपॉजिट। होल हो गए उसमें क्रस्ट में, पाइप डाला जाएगा, जब तक वो पेट्रोल डिपॉजिट तक नहीं पहुंच जाता उस पाइप को नीचे डालेंगे, एंड देन उसी पाइप के थ्रू जो है आपकी जो पेट्रोल की है वो एक्सट्रैक्शन होती है, राइट। फिर जो ये क्रूड ऑयल है एकदम गश आउट करते हैं आपके पाइप के थ्रू विद हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस, राइट। अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल की। अब सम प्लेसेस जो इंडिया में है जहां आपका पेट्रोल मिलता है, तो ये आपको याद रखने हैं, पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है आपको, पहला गुजरात, गुजरात में भी कहाँ पर, एक तो आपकी जगह अंकलेश्वर, अंकलेश्वर और कलोल, अंकलेश्वर एंड कलोल, ये गुजरात में दो जगह हैं। फिर आपकी जगह है असम, असम में कहाँ मिलता है, रुद्रसागर, रुद्रसागर, और दूसरी जगह आपकी लकवा, ठीक है। देन आपका मिलता है बॉम्बे में, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई में आपको मिलता है कहाँ कहाँ पर, एक तो 150 किलोमीटर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ऑफशोर बॉम्बे में, बाकी तो पता ही है आपको कि जो ऑफशोर डेल्टास ऑफ गोदावरी और कावेरी में भी जो है आपका पेट्रोल मिलता है। रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की, हमने सारा काम कर लिया, माइनिंग कर ली, पेट्रोल को निकाल लिया हमने सी बेड से, अब हम करेंगे उसकी रिफाइनिंग। तो पेट्रोल जो है, ठीक है, दैट इज जो कच्चा तेल, उसको क्रूड ऑयल भी बोल देते हो आप, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विद सी वाटर, एंड क्या होता है इसमें मिक्स सिल्ट, दैट इज फाइन क्ले। तो ये आपको याद रखना है, सिल्ट की जगह फाइन क्ले भी लिखा हो सकता है, फाइन क्ले इज योर सिल्ट ओनली, राइट। तो हमारा जो पेट्रोल है, जो कच्चा तेल है जो हमें नीचे मिलता है धरती के नीचे, उसको हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते, हमें उसको करनी पड़ती है उसकी प्रोसेसिंग, और इस प्रोसेसिंग को ही हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या फिर हम कहते हैं द पेट्रोलियम दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स, और उस यूजफुल प्रोडक्ट्स में कैसे सेपरेट होता है, विद द हेल्प ऑफ योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इंटू यूजफुल या फिर यूजेबल फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। तो यहां मैं ऊपर लिखती हूँ, देखिए पेट्रोल या फिर आप इसको क्रूड ऑयल बोलते हो, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग को पहली चीज हम बोलते हैं क्या, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और इसी को आप बोलते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और ये होती कहाँ पर है, आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है वहां पर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैरी आउट होती है। पेट्रोलियम जो है आपका, इट इज रिफाइंड इन टॉल स्टील फ्रैक्शनिंग फ्रैक्शनेटिंग टावर फिटेड विद होल्ड या फिर परफोलेटेड शेल्स। क्रूड ऑयल होता है आपका हीट 400 डिग्री सेल्सियस तक इन अ फर्नेस एंड जस्ट अ मिनट,
तो ये जो आपका पेट्रोलियम है ये होता है आपका 400 डिग्री सेल्सियस पे इन फर्नेस एंड देन वेपर जो इसमें से निकलते हैं दैट इज फेड इनटू अ टावर. जैसे ही वेपर मूव अप करते हैं तो आपका हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स दे गेट कंडेंस्ड एंड देन दे रिटर्न टू लोअर पार्ट ऑफ द टावर. आई होप समझ में आ रहा है किस तरीके से. तो इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ यही जानना था. जो गैस, ठीक है, द गैस विच गोज आउट द कॉलम उसी को हम बोलते हैं पेट्रोलियम गैस. लीस्ट वॉलेटाइल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कलेक्टेड फ्रॉम एन आउटलेट, तो दिस इज नॉट ऑफ योर यूज. तो ये सब हम छोड़ेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं. चलिए, अब ये जो है आपका यूज वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस. देखो, पेट्रोलियम गैस जो आपका नेम ऑफ फ्रैक्शन है, पेट्रोलियम गैस जो मिलती है, बॉइलिंग रेंज क्या है इसकी, इसकी है अप टू 40 डिग्री सेल्सियस. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं इसमें 1 से 4. यूज क्या है इसकी पेट्रोलियम गैस का, एज डोमेस्टिक फ्यूल या फिर फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन ब्लैक, ठीक है. दूसरा है आपका पेट्रोल एंड लाइट नाफ्था, कितना डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग रेंज इसकी, 40 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसमें 5 से 10. एंड यूज है इसका एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. केरोसिन है आपकी 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस पे. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 10 से 12 है इसमें. एज अ डोमेस्टिक फ्यूल और इल्यूमिनेंट यूज होता है ये. देन वी हैव डीजल, डीजल 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है और 13 से 15 कार्बन एटम्स हैं इसमें. एज और एक कहाँ पर यूज होता है डीजल आपका, एज अ फ्यूल फॉर ट्रक्स, बसेस, रेलवे इंजन, वाटर पंप्स एंड जनरेटर. तीसरा है आपका फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल को आप हीट करते हो 350 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं आपके 15 से 18. एंड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर बॉयलर्स और फर्नेस ये जो है यूज होता है. समझ आ गई, चलो आगे चलते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज फ्यूल, कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं. तो जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस में भी क्या, एलपीजी, वी हैव गैसोलीन, तीसरा इज केरोसिन, डीजल एंड वी हैव फ्यूल ऑयल, ठीक है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नॉट यूज्ड एज फ्यूल, जिनको हम यूज नहीं कर सकते, पहला कौन सा, पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर, फिर है हमारा लुब्रिकेंट्स, देन वी हैव ग्रीसेस, पेट्रोलियम जेली एंड पैराफिन वैक्स एंड पिच, ठीक है. अब बात करेंगे हम नेचुरल गैस की और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस हमें कहाँ मिलती है, जो हमारा जहां पर क्रूड ऑयल होता है उसी के ऊपर जो है एक गैस की लेयर बिछी होती है, उसी को नेचुरल गैस बोलते हैं. द गैशियस मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच अकर्स डीप इनसाइड द अर्थ ईदर अलोन और कवरिंग द क्रूड ऑयल इज इन एन ऑयल फील्ड इज कॉल्ड एज नेचुरल गैस, ठीक है. जो गैस आपको या तो अकेले मिले या फिर आपके क्रूड ऑयल के ऊपर मिले इन दी कहाँ पर ऑयल फील्ड में, उसी को हम नेचुरल गैस बोलते हैं. नेचुरल गैस इज एन आइडियल फ्यूल, एक आइडियल फ्यूल है. क्यों, पहला कि ये तो एक आइडियल फ्यूल क्या होता है, जब हम गैस चलाते हैं अपने खाना बनाते हैं तो हम कैसे कहते हैं भाई गैस ठीक है, जब वो ब्लू स्मोकलेस फ्लेम दे, ठीक है. अगर रेड रेड आता है तो मतलब कुछ खराबी है उसमें, अगर ब्लू और स्मोकलेस फ्लेम आ रहा है दैट मीन्स इट इज गुड, ठीक है. तो नेचुरल गैस इज एन आइडियल फ्यूल, क्यों, पहला कंडीशन है उसकी कि इट इज अ इट बर्न्स विद ब्लू स्मोकलेस फ्लेम. दूसरा है इट डज नॉट लीव ऐश आफ्टर बर्निंग, कोई भी ऐश नहीं छोड़ता आफ्टर बर्निंग. तीसरा है इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, दैट मीन्स 55 किलो जूल्स पर ग्राम. नेचुरल गैस के यूजेस क्या क्या है, पहला एज एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज होती है ये. दूसरा इसका यूज है फॉर ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, और तीसरा इसका यूज है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक. समझ आ गई. मीथेन ऑफ, जो आपके मीथेन है ऑफ अ नेचुरल गैस, इट कैन बी कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली, जैसे कि 1250 केल्विन
इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब हम मीथेन गैस को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे 1250 केल्विन पे, तो हमें मिलेगी कार्बन प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, समझ आया। कार्बन ब्लैक जो है इट इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री। किस लिए यूज होता है ये कार्बन ब्लैक? रबर इंडस्ट्रीज में एज अ रीइंफोर्सिंग एजेंट, स्ट्रेंथनिंग एजेंट के उसमें भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन टायर्स एंड ट्यूब्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इन इंडिया नेचुरल गैस आपके कहाँ कहाँ मिलती है? तो हमने पहले बात करी थी पेट्रोलियम की, अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस की हमें कहाँ कहाँ मिलती है। ये मिलती है हमें त्रिपुरा में, त्रिपुरा। दूसरी हमें मिलती है ये राजस्थान, देन वी महाराष्ट्र। ठीक है, इन तीन जगह पे हमें ये नेचुरल गैस मिलती है। अब बात करते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, सीएनजी। तो जो नेचुरल गैस दैट कैन बी कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर टू ऑब्टेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जब भी हम कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर के अंडर, तो हमें मिल जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस मतलब नेचुरल गैस की कंप्रेशन हो गई ना जब हाई प्रेशर में, तो वही हो गई आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइंस, और सीएनजी कैन नाउ बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। जैसे ऑटोमोबाइल्स में भी अब सीएनजी यूज होती है, कार बसेस स्कूटर्स में आपके सीएनजी यूज होती है। जब भी आप सीएनजी को बर्न करते हैं इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक। हम सीएनजी को यूज क्यों करते हैं भाई अपने ऑटोमोबाइल्स में? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम सीएनजी को बर्न करते हैं, अनलाइक पेट्रोल ये अनलाइक डीजल ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है और ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। इट्स प्रोडक्ट्स ऑन बर्निंग आर क्या क्या निकलता है जब ये बर्न होती है सीएनजी? ठीक है, सीएनजी बर्न होने के बाद में आपका निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तीसरा इसका क्या फायदा है सीएनजी का? कोई भी ऐश नहीं छोड़ती है, बर्न होने पे ऐश नहीं छोड़ती। देयरफॉर सीएनजी इज वेरी क्लीन एनवायरमेंटली एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस माइनिंग। जब भी हम एक्सेस माइनिंग कर देते हैं, एक्सेस एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं या फिर, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? पहला तो ये होता है कि जो आपको भी पता है पेट्रोल और कोल दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और हमें पता है इट विल गेट एग्जॉस्टेड इन नियर फ्यूचर। देयरफॉर जब एग्जॉस्ट होने के कगार पे हैं तो पहला क्या हो जाता है, एनर्जी क्राइसिस हो सकता है हमारे नियर फ्यूचर में। दूसरा क्या है आपका कि कोल इज माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड कोल डिपॉजिट्स। अब एक्सेसिव माइनिंग जब होगी कोल की, इट विल क्रिएट हॉलो स्पेस इनसाइड द अर्थ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लैंड में कोलैप्स लीडिंग टू माइनर अर्थक्वेक्स। जैसे जब हम क्या करते हैं, कोल की माइनिंग करते हैं, कोल निकालते हैं धरती में से, तो एक्सेसिव माइनिंग की वजह से बड़े बड़े हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाते हैं आपकी अर्थ में, जिसकी वजह से माइनर अर्थक्वेक आने का भी डर रहता है। तीसरा पॉइंट कि मेजर या माइनर अर्थक्वेक माइनिंग जब होगी पेट्रोल की भी, तो भी यही सिमिलर होगा, क्योंकि जब भी हम पंप की हेल्प से उस पेट्रोल को बाहर निकालेंगे तो वो माइनिंग जो है इट विल क्रिएट होलो स्पेस डीप इनसाइड द अर्थ एंड इट मे लीड टू मेजर या माइनर अर्थक्वेक्स। कोल और पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल और कैरोसिन, ये क्या होता है ऑन बर्निंग दे प्रोड्यूस क्या, ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, वेपर ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एंड स्मोक। ठीक है, ये है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। देन द गैसेस में कॉज द फॉलोइंग। पहला तो क्या होता है, जब भी आपकी जो कोल एंड पेट्रोल है, तो जब भी ये जलता है तो कौन सी गैसेस आएंगी आपके? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिलीज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्या होता है, जब अब हमारा जो कोल और पेट्रोल, हम क्यों मना करते हैं भाई ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और हमें गाड़ी वाड़ी का जो बर्न होने से क्या नुकसान है, इसमें से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो क्या बना देगी, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो इट इज CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड निकली है व्हीकल्स में से, ठीक है, हमारा फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद क्या हो जाता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो हमारे पोलर आइस जो हैं और ये सब जो चीज़ें हैं ये मेल्ट हो रही हैं, ठीक। और इस पोलर आइस मेल्ट होने की वजह से जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर होती है फ्लडिंग आपकी,
टेम्परेचर अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हमारा जो मॉनसून का पैटर्न है वो बदल जाता है, हमारा क्रॉप कल्टीवेशन का पैटर्न भी बदल जाता है बिकॉज ऑफ दिस। देन दूसरा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारी जो एक गैस रिलीज होती है इन फ्यूल्स को बर्न करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस है, जैसे ही हम इसको इनहेल करते हैं और ये मोनोऑक्साइड क्यों देखो CO है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला, जब भी हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे कि हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, जो हमारे हीमोग्लोबिन है ये उसके साथ मिक्स हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, एज अ रिजल्ट जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमारी ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यू तक नहीं ले जा पाता, ठीक है, और होता क्या है फिर इसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी लीडिंग टू सफोकेशन और कई एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, गॉट इट। थर्ड वन इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, ये भी रिलीज होते हैं जब हमारी गैसेस बर्न होती हैं। अब ये क्या करते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, ये हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है बना देते हैं, ये क्रिएट करते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। एसिड रेन जो है ये क्या होती है, ये आपका कोरोजन ऑफ लाइम कर देती है, दूसरा मार्बल मेटालिक स्ट्रक्चर इन सब की जो है ये कोरोजन कर देती है, ठीक है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये कैसे हैं, ये होते हैं फॉसिल फ्यूल्स आपके, तो दीज आर फॉर्म्ड इन नेचर बाय वेरियस प्रोसेस इन साइड द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल इट इज कंज्यूम्ड एट अ रेट फास्टर देन द रेट एट विच दे आर फॉर्म्ड इन नेचर। अब हमें पता है कि हमारा जो कोल और पेट्रोल है ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में जो है हमारी धरती में पाया जाता है, और हमारे जो कंजम्पशन की रेट है ना वो हम इतना ज़्यादा इसको कंजम कर लेते हैं कि हमें पता है कि एक ना एक दिन तो ये एग्जॉस्ट होना ही होना है। तो एज पर यू नो योर प्रीवियस है कोल डिपॉजिट, मतलब क्या होता है, अब हमारा जो एस्टिमेशन है सिर्फ ये 100 से 150 साल और चलेगा हमारा कोल डिपॉजिट, एंड दिस वुड लीड टू एनर्जी क्राइसिस एंड द पेट्रोलियम कन। एक चीज याद रखनी है आपको कि PCRA क्या है, ये PCRA, तो ये PCRA है आपका पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इट हैज द फॉलोइंग सजेशंस टू सेव पेट्रोल फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब ये हमारा जो PCRA है ये हमें कुछ सजेशंस देता है कि भाई हमें फ्यूचर जनरेशन में किस तरीके से अपने पेट्रोल को जो है सेव करना चाहिए, जैसे कि पहला कहता है कि जो हमें ड्राइव करनी चाहिए वो कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे करनी चाहिए, हमें ज़्यादा एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार भी हम एक्सीलेटर ज़्यादा दबा के गाड़ी को रेस देंगे उतना हमारा जो पेट्रोल की कंजम्पशन है ना वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा हमें जो इंजन पे स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जब भी हम ट्रैफिक लाइट पे रुकें हमें अपने इंजन बंद कर लेने चाहिए, और जब भी हमें वेट करना है तो हमें क्या करना है, इंजन बंद कर लो। तीसरा करेक्ट टायर प्रेशर, टायर में प्रेशर अच्छा बना के रखना है, तब भी अगर टायर में प्रेशर नहीं होगा ना तब भी हमारा जो पेट्रोल की कंजम्पशन है ना वो ज़्यादा हो जाती है। चौथा है हमारे हमारा जो व्हीकल है उसकी रेगुलर सर्विसिंग करवानी ही करवानी है ताकि जो हमारे पेट्रोल की कंजम्पशन है वो कम हो। समझ आ गई, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब मेरी तरफ से चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 5। कल मैं आपको चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करा दूंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से कर लेते हैं। नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, पेट्रोलियम के ऊपर, एंड इट कंटेन्स क्या क्या कंसिस्ट करती है नेचुरल गैस, इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन। ये एक क्लीन फ्यूल है नेचुरल गैस, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन ऑफ द एयर, और कोई भी ऐश जो है ये नहीं लीव करता। तीसरा है CNG इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एज क्लीन फ्यूल। चौथा पेट्रोलियम डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट हमें जो है मिलता है, और पेट्रोलियम हमें मिलता कैसे है, इट इज़ रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो मेन प्रोडक्ट्स हैं आपके पेट्रोलियम के वो क्या क्या है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड एस्फाल्ट। एक्सेसिव यूज एंड माइनिंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ये क्या हम अगर हम एक्सेसिव यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का तो हमें क्या हो सकता है, हमें इट कैन लीड टू एनर्जी क्राइसिस,
result in creation of large hollow space underneath, which may or may not cause minor or major earthquakes. It can lead to greenhouse effect, acid rain, and many other health problems. Okay, so this is it for today. I hope everything is clear to you. So आपको करना क्या है, सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो, एंड मैं यही बोलूंगी जिसको जरूरत है उस तक ये चीजें पहुंचा दो, ताकि जो हम एजुकेशन को हम एक्सक्लूसिव बना सकें, सब तक पहुंच सके. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ नेट का पे थोड़ा बहुत पैसा जो होता है वही लगता है, और आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है और खोल के. इसमें बेनिफिट ये है कि मैंने एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से कवर करा दिया है. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपको कहीं से भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैम ने कोई भी चीज छुड़वा दी है. तो आपको सारा का सारा मैं कवर करा चुकी हूँ. ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड लक, कीप स्टडिंग एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ.